और यहाँ पर एबी डेविल्स को मिलता हुआ पहला पॉइंट। एबी डेविल्स 1-0 से बढ़त बनाते हुए रॉयल चैलेंजर्स की टीम पर। और सर्विस यहाँ पर अंदर है जैसा कि लाइन मैनेजर के द्वारा बताया गया। और इस तरह से 2-0 से यहाँ पर एबी डेविल्स की टीम बढ़त बनाते हुए। आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार, मैं हूँ नवनीत कुमार। अभी हम मौजूद हैं शिवनाथपुर में और यहाँ पे जो है ना डिजायर इंस्टीट्यूट पे आज जो है ना डिजायर बैडमिंटन चैंपियनशिप सीजन 4 का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे जो है ना मुख्य अतिथि आए हैं, यहाँ पे फीता काटेंगे और इस खेल जो आयोजन है उसका शुभारंभ करेंगे। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं जिला पार्षद हैं रीना राय जी और उनके जो पति हैं समाज सेवी अभिषेक अनिल जी भी आए हैं। चलिए अब देखते हैं फीता काटने का कार्यक्रम होगा, इसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। चलिए इधर आ जाइए। देखिएगा यहाँ पे फीता काटने का कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पे फीता काटने का जिला पार्षद के द्वारा यहाँ पे फीता काटा गया है रीना राय जी के द्वारा। अभी हम बात करते हैं, इसके बाद आपको जो है सो हम बताते हैं। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आयोजन किया गया, बहुत सारे छात्र वगैरह जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, बहुत सारे छात्र हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा शिक्षा के साथ साथ जो है ना खेल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। खेल को जो बढ़ावा दिया जा रहा है इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बोर्ड लगा हुआ है पीछे, लेट्स इंस्पायर बिहार। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स इंस्पायर बिहार समस्तीपुर। यहाँ पे जो है ना बैडमिंटन चैंपियनशिप रखा गया है आज। विजेताओं को जो है ना मैं आपको बता दूँ, श्री विकास वैभव सर के द्वारा जो कि आईपीएस हैं और बिहार सचिव हैं और विशेष सचिव हैं और बिहार सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाएगा जो यहाँ पे हैं। मैं यहाँ बात करने वाला हूँ, यहाँ के जिला पार्षद जी हैं मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम के द्वारा अपने जो हमारे क्षेत्र के जो हमारे है सत्य प्रकाश जी और जैसे हमारे बच्चे लोग आज इस गेम में भाग ले रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि हम हर जगह पर बड़ी महत्वपूर्ण से हर बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और बच्चे में जो खूबियां है जो टैलेंट है वो कम दिखती है। आज सत्यनारायण जी ने जो ये कार्य किया है बहुत अच्छा किया है, ताकि जो बच्चे का टैलेंट है खासकर लड़कियों के, क्योंकि अधिकतर दिखा जाता है कि महिलाओं को लड़कियों को पीछे रखा जाता, आज उनको बढ़ावा देकर आगे बढ़ाने का उनको काम किया है। और ये जो खेल है, खेल हर प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे बॉडी के लिए भी है और जो बच्चे का टैलेंट है वो बाहर भी निखर सकता है। तो ये सब आज बहुत बड़ी कार्य हो रही है, मैं इनसे बहुत खुश हूँ। चलिए इससे हमारी बच्चियों को और जो हमारे लड़के हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा आगे बढ़ने का और जो उनके अंदर जो खूबी है वो निखारने का समय मिलेगा। जी जी धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कहने का उद्देश्य ये है कि खेल से जो है ना पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी अहम भूमिका होता है, क्योंकि आप स्वास्थ्य को लेकर ही देखेंगे तो आपको जो है ना स्वास्थ्य रखने में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है इसका। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पे समाजसेवी हैं अभिषेक अनिल जी, इनसे भी बात करते हैं। सर खेल के विषय में आप कुछ बताइएगा, मतलब इसके महत्व के बारे में। जी आज जो ये डिजायर कोचिंग सेंटर में बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है 4th का, बच्चों को पढ़ाई के साथ खेल बहुत ज़रूरी है। चूँकि मन स्वस्थ रहता है, पढ़ाई मन लगता है तो उसके साथ खेल की भी ज़रूरत है। और इससे अभी जो मैडम बताई बॉडी लैंग्वेज अति बॉडी फिटनेस रहता है और खेल ज़रूरी है। और हम ये चाहेंगे इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो बच्चे भाग ले रहे हैं, वो तन और मन एकत्र करके खेल खेलें और विजयी बने और आगे भी इस क्षेत्र में पढ़ाई के साथ खेल में भी आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामना है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा खेल में लोग भाग लेते रहे। जी जी धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे समाजसेवी अभिषेक अनिल जी को सुने आप, ये हमारे साथ सरपंच जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। राम बहादुर सिंह जी हैं, जदयू नेता हैं ये, इनसे बात करते हैं। सर क्या कहते हैं ना कि खेल में जो है विद्यार्थियों का खेल में भी खेल भावनाओं को भी देखना होता है और खेल में भी उनका साथ योगदान होना चाहिए। खेल के महत्व के बारे में आप क्या बताएंगे, जो विशेषकर विद्यार्थी जो हैं सारे जो छात्र हैं छात्राएँ हैं सभी चढ़ बढ़ के भाग लेते हैं, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिहार में हर एक तरह की जो प्रतियोगिता है उसमें हमारे बिहारी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई में तो आगे बढ़ ही रहे हैं, देश में नाम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि खेल के क्षेत्र में भी बिहार के जो प्रतिभावान बच्चे हैं वह खेल के
के मामले में भी आगे बढ़ें और खेलें, पढ़ाई के साथ खेल में भी ध्यान दें और खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें। खेलने से मन प्रसन्न होता है, एक वैमनस्यता होती है, उसकी दूरी समाप्त होती है, सब एक साथ मिल करके एक टीम भावना से खेलते हैं, यहाँ जाति टूटता है, यहाँ बंधन टूटता है, एक खेल की भावना रहती है। इसलिए मैं जो इस क्षेत्र के जो हमारे सत्यनारायण जी हैं डिजायर कोचिंग के संस्थापक, उन्होंने इस संस्था को स्थापना किया है और ख़ास करके पढ़ाई के साथ साथ खेल पर जो उन्होंने ध्यान दिए हैं, कई बार हम लोगों को बुलाए हैं, हम लोग आकर के जो इनके प्रतिभा को देखे हैं, खास करके बच्चे को जो आगे बढ़ाया है, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी जी धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा क्या है ना कि अपने पंचायत या आप जिला स्तर में देखेंगे तो खेल को जो है प्रोत्साहन यहाँ के प्रतिनिधियों के द्वारा ही मतलब होना चाहिए, जिससे कि सभी विद्यार्थी जो यहाँ के खेल भावनाओं को जानते हैं या खेल में चढ़ बढ़ कर भाग ले सकते हैं उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। आइए हम बात करते हैं यहाँ के जो डायरेक्टर हैं सर, इनसे बात करते हैं, थोड़ा खेल के विषय में बताएंगे सर ये आयोजन का क्या। डिजायर इंस्टीट्यूट के तरफ से खेल का बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पढ़ाई तो बच्चे स्वस्थ हों और पढ़ाई के साथ साथ खेल में आने से बच्चे के खेल और क्या कहते हैं पढ़ाई में भी रुचि आगे होता है, एक दूसरे में जीतने का भावना होती है और खेल के साथ साथ यही भावना अगर बच्चे बनाए रखते हैं तो मेरा जहाँ तक उम्मीद है जो बहुत आगे निकलेंगे। और इसके लिए विकास सर, आदर्श सर काफ़ी प्रेरित रहते हैं और जितना जितना अच्छा सेवा हो सके पढ़ाई से लेकर और बैडमिंटन प्रतियोगिता तक सब प्रतिभा विकसित करते रहते हैं। जी जी धन्यवाद। अब मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विकास सर, आज हम विकास सर से आपको मिलवाते हैं और बात करवाते हैं। मतलब सर हर साल ये आयोजन होता है बैडमिंटन का? हाँ सर, हर साल आयोजन होता है और ये आप देख रहे हैं ये सीजन 4 है और इस सीज़न 4 में आप जो पहला सीज़न हुआ था वहाँ पे हमारी स्थानीय टीम जीती थी और उसके बाद से 2 साल से जो हमारी समस्तीपुर की टीम है एबी डिबिल्स वो आकर के हमारे टूर्नामेंट को रोचक बनाते हैं और जो सीज़न 2 हुआ था उसका वो विजेता रह चुके हैं, जबकि सीज़न 3 जो खेली गई सीज़न 2 का वो विजेता रह चुके हैं, सीज़न 3 में वो विजेता रह चुके हैं और सीज़न 4 में अब देखा जाएगा। और आज उद्घाटन मैच है, उनका पहला मैच भी है अभिषेक जो यहाँ पर लगातार विनर मतलब रहते आए हैं इससे पहले भी। और सर हमारा जो मेन उद्देश्य होता है कि आजकल अभी क्या होता है कि लगभग हमारे बिहार के बाहर के बहुत सारे लोग हर तरह से स्पोर्ट्स में मुकाम पे पहुंच रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट का खेल हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, बैडमिंटन हो और भी जो भी खेल हो। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव समाज से भी बच्चे बहुत सारे प्रतिभा हैं जिनको बस एक माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि वो इस तरह से आगे भी बढ़े और इनसे क्या होता है कि शारीरिक विकास भी होता है और जिसके कारण उनको पढ़ाई में भी मन लगता है। जी जी धन्यवाद। मतलब ये 2 दिवसीय है मतलब बैडमिंटन प्रतियोगिता? हाँ सर, ये 2 दिवसीय है। आज जो टूर्नामेंट का ये जितना भी है वो लीग मैच खेला जाएगा जबकि सारा फाइनल कल खेला जाएगा। जी जी धन्यवाद। आप सुन रहे थे मैनेजिंग डायरेक्टर इंस्टीट्यूट के हैं और इन्होंने बताया कि यहाँ पे आयोजन किया जाता है हर वर्ष। चलिए बाकी बातों के लिए देखते रहिए बीटी न्यूज़ बिहार, नवनीत कुमार के साथ। धन्यवाद।